सिविलियन गवर्नमेंट दैट आर इन प्लेस, अब आप डिलीवर करेंगे, अवाम भी आपके साथ खड़ी होगी। अभी भूखे नंगे लोग जो हैं, जो उनको बिल्कुल ना खाना है ना पीना है, बच्चों की भूख है, ये सारी चीजें हैं उनके लिए। तो कोई भी किसी जगह से भी आएगा और अगर वो थोड़े दिन भी है उनको एक उम्मीद दे सकता है कि शायद हालात मेरे आने से ठीक होंगे, तो वो उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। इट इज द परफॉर्मेंस दैट विल मेक द डिफरेंस। इस गवर्नमेंट को आए हुए कोई दो साल अभी पूरे नहीं हुए, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट व्यूड बाय द पब्लिक के चीजें सही सिमत में जा रही हैं। इस चीज सारी चीज को अगर पॉलिटिकली पॉलिटिशियन ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन, देयर इन दैट केस ऑल दिस टू चेंज एंड द कंट्री हैज टू मूव इन अ पोजीशन इन अ वे कि पब्लिक परसेप्शन में यह आए कि अब हम सही सिमत में चल रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी कौम कुर्बानियों की मेरा ख्याल है मिसाल दे सकते हैं हम। द पॉइंट इज के फिर उस वक्त आप इस कौम की देखें कि किस किस्म की कुर्बानी है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो आपका आम सैनिटेशन सफाई करने वाला भी सड़कों पर है, अगर डब्बे जगह जगह लगे हो और उसको ये पता हो कि अब पाकिस्तान इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, इवन दैट पुअर सोल विल ऑल्सो पुट 5-10 bucks इन दैट डब्बा एंड डोनेटेड टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग फंड। पॉलिटिशियंस की कौन सी लॉबी है जो आपके ख्याल में ये इस किस्म की, जिन्होंने ये हरकत करने की कोशिश की होगी, जिसका ये क्लॉजेस डलवाने की कोशिश होगी? आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू पिन पॉइंट एनीबॉडी इन दैट सेंस, बट डेफिनेटली ये शकशुबात तो पैदा हुए बिटवीन द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। इसीलिए शायद आर्मी को अपना स्टैंड पब्लिकली थ्रू ISPR करना पड़ा। But the point is who individuals क्यों कैसे, that I don't think I'll be able to। मैं तो इन इस action के ऊपर ये कह रहा हूँ कि अगर फौज को एक ISPR रिलीज इशू करना पड़ा तो इसका मतलब है कि दोनों establishments में कोई ना कोई शक शुबात तो हुए होंगे जिसकी वजह से ये action लेना पड़ा। इन्होंने Americans ने काफी जो है वो अभी फिलहाल तो ये American बिली है, और जो जिस तरह से इन्होंने जो है मुख्तलिफ क्लॉजेज में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, इट्स नॉट कि एक डिप्लोमेसी की दुनिया में जो है वो कोई एक बेस्ट जो है पॉसिबल लैंग्वेज मेरा नहीं ख्याल कि वो हो सकती है। इससे तो हालात जो है वो पाकिस्तान अमेरिका के इनकी इस एटीट्यूड से जो है वो बजाय ठीक होने के और ख़राब हो सकते हैं। और इस एडमिनिस्ट्रेशन जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, आपको क्या लगता है कि वो कितने सिंसियर हैं पाकिस्तान के साथ अपने हालात ठीक करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस तरह की जो क्लॉजेस डली हैं वो डेफिनेटली जो है वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का ही हाथ है इसमें। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि क्या नाम है, ये जो आपने बात की ना पहले द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इफ यू कैन रिपीट दैट। जी मैंने आपको ये बोला था कि ये मैंने आपको बोला था कि वर्डिंग ना, अब ये वर्डिंग डिप्लोमेटिक का देखेंगे। अमेरिकन एम्बेसडर इस्लामाबाद में जो है उन्होंने एक आम हमारा चैनल न्यूज चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये लैंग्वेज शायद इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो द पॉइंट इज के जब उनके एम्बेसडर को हमारे चैनल पे आकर ये कहने की जरूरत पेश हो रही है तो ये इसको आप डैमेज कंट्रोल ही कह सकते हैं। तो इतने तो मैं नहीं समझता कि कोई भी नाइव था ऑन द अमेरिकन साइड कि उनको ये उस वक्त नहीं पता था। उन्होंने ये ट्रस्ट किया, कहने पे किया या खुद किया या इंडियन लॉबी पे किया कि शायद अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो फिर वी विल सी व्हाट वी कैन डू। तो अब ये है कि उस पे अपोलोजेटिक है, दे देमसेल्व्स एडमिट कि दिस लैंग्वेज इज नॉट करेक्ट एंड दे फील सॉरी दैट दे हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द पाकिस्तानी नेशन वगैरह वगैरह वगैरह। बट द पॉइंट इज के आपको ऐसा ट्रीट क्यों किया जाता है, और सब इसमें टारगेट देखें, द टारगेट इज द पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। मैं ये साफ लफ्जों में टेलीविजन टॉक्स में कहता हूँ, लाइक लिखने में कहता हूँ, आपके प्रोग्राम पे भी ये कहूंगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है अगर इसको कोई भी इस्तेकाम दे सकता है तो दैट इज योर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट प्लस योर इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट, बिकॉज यूर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। द पोलिटिकल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रांग टू गिव दैट पोलिटिकल विल टू द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट टू bring peace back to this country,
दैट इज द ओनली वे. अगर आप इसमें से फौज का भी इक्वेशन निकाल दें, किसी तरीके से उसको कमजोर कर लें, उसको इनइफेक्टिव बना लें, इंटेलिजेंस आईएसआई ये वो सबको निगेट करके जीरो करके मतलब वीकन करें, तो आई स्टेट वेरी ओपनली दैट दैट कुड साउंड द बिगिनिंग ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री. Otherwise, if you remain integrated, you will be a paralyzed, apaj, jisko kehte hai na, apaj kisam ka nation, but you would go do everybody's bidding. आपने ये बात की थी कि अब एनडब्ल्यू पीटरसन ने जो है वो भी जो है इसके कुछ क्लॉजेस को मुतनाज़ा बोला है, और उन्होंने कहा है कि जो वही जो आपके अल्फाज के अपोलोजेटिक जो है उन्होंने रवैया अख्तियार करने की कोशिश की है. मगर हमारे यहाँ जो दिलचस्प बात यह है कि हमारे जो बाज पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिनमें मैं साफ नाम लूंगा, सरदार आसिफ साहब जैसे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो तो अपनी तकरीर में पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कह रहे थे कि पाकिस्तानी गैरत के बजाय जो है वो होश से काम लें और गैर मुल्की इमदाद के बगैर हम 10 दिन चल के दिखाएं. मैं भी ये उनके पूरे अजीम तकरीर में से जो है मैंने आपको दो लाइनें पढ़ के बताई हैं. आई एम श्योर कि आप भी जो है वो आपने भी सुना होगा. ये इस तरह के लोगों का इंसान क्या करे के गैर मुल्की जो है वो मान रहे हैं कि गलत हुआ है, और ये जो कह रहे हैं पाकिस्तानी गैरत से काम ना ले. जिनका नाम आपने लिए वो अभी एक किसी वक्त में एक और पॉलिटिकल पार्टी में थे, अब पीपीपी में आ गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना के लोग कांकर पोजिशनों पे लग जाते हैं. जब अभी उन्होंने डेप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन विच इज द फेडरल मिनिस्टर स्टेटस and you're playing with the development of the whole country. If he says anything else, he says ye bill theek nahi hai, ye kahenge, ek din kahenge, jab chhod denge sari cheeze, jab unke upar koi kisi kisam ka wo nahi hoga lalach ya bas, to ye bhi kahenge ki yaar waqai ye cheeze galat thi. To ye itni aham position for people, yahi to is mulk mein kami hai ki waqt pe logon ke godo gitton mein itna zor nahi hota ki sachi baat kar sake. ये इस तरह के इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स ये सिर्फ पहली दफा नहीं आए हैं, जब से ये हुकूमत आई है ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, और इन्हें फिर आपस फिर बाद में उनसे बैकआउट करना पड़ता है. अब ये इतना बड़ा मसला जो था, ये जो है पाकिस्तान का पूरा जो सियासी ढांचा है वो इस वक्त जो है वो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, और एक आपका जो है पार्लियामेंटेरियन जो कि हुकूमत का हिस्सा है वो उठ के जो है वो इस तरह के जो है वो बयान देना शुरू करते हैं, किस कदर डीमोरलाइजिंग है और किस कदर इंसल्टिंग है पाकिस्तान की पूरी नेशन के लिए. तो यही चीजें मैंने आपको आई थिंक वी हैव टॉक्ड एट लेंथ ऑन दिस, एंड मुझे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पाकिस्तान में जो लीडरशिप एट ऑल लेवल्स फ्रॉम द टॉप टू द लोअर लेवल्स हु नेगोशिएट पाकिस्तान के बिहाफ पे, सब लोगों को ये चीज रखना चाहिए कि माय जॉब इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान इज इम्पॉर्टेंट, और जो चीज पाकिस्तान के फेवर में ना हो उसको आउटराइट. एंड मैं आपको ये कहूँ कि आप किसी के साथ भी, आप बात दुनिया सब जानते हैं, अगर आप बात किसी के साथ भी बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें सारी चीजें, तो वो आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. एंड आई थिंक हमारा पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से, ये 2 साल नहीं, इससे पहले भी और उससे पहले भी पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू अप फ्रंट मेरा नहीं ख्याल के बहुत ज्यादा आपके लीडर्स ने कभी भी दुनिया के सामने रखा हो. जब ये जो है आई एम श्योर के क्लॉजेज जो है हमारी ड्राफ्ट हो रही थी, हम लोगों के अपने लॉबिस्ट वगैरह बैठे हुए हैं और उन पे हमने लाखों डॉलर खर्च किए, हमारे जो सफीर हैं हुसैन हकानी साहब ये भी इधर तशरीफ़ फरमाए अमेरिका में, और